नवरात्रि हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह त्योहार देश भर में मनाया जाता है। महाशक्ति रूपा हैं। धार्मिक मान्यताओं में उन्हें सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। माँ की 10 भुजाएं शस्त्रों के साथ हैं और वे भक्तों की सुरक्षा का प्रतीक हैं। इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा के पास मौजूद शस्त्रों और प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे और उनके अर्थ की जानकारी भी देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोलें जय माता दी। सुदर्शन चक्र। माँ दुर्गा की तर्जनी में घूमता सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है। वह बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगा और धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करने और पापों का नाश करने में सहायक होगा। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि का केंद्र है और ब्रह्मांड उसके इर्द गिर्द घूमता है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। यह दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सर्वहित शुभ मार्ग पर चलते हुए दृढ़ संकल्प जीव अपने लक्ष्य को भेदने में सदा विजयी होता है। चक्र शिक्षा देता है कि जीव को दूरदर्शी व दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। भगवान विष्णु को स्वयं सुदर्शन चक्र शिव से प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने में यह सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में से एक भी माना जाता था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। ऐसा माना जाता है कि इसके अरों में देवता सभी राशियां अग्नि ऋतुएं सोम वरुण मित्र इंद्र प्रजापति हनुमान तप धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता था। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र था। इसके ऊपर और नीचे की सतहों पर लोहे के शूल लगे हुए थे। बाद में देवी ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को भी प्रदान किया था। तलवार। माँ दुर्गा के हाथ में सुशोभित तलवार की तेज धार और चमक ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान सभी संदेहों से मुक्त है। इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होता है। तलवार बुद्धि की तीक्ष्णता का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी चमक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। यह शस्त्र भगवान गणेश द्वारा प्रदत्त किया गया है। हाथ में ओम। इसी तरह माता दुर्गा के हाथ में इंगित ओम परमात्मा का बोध कराता है। ओम में ही सभी शक्तियां निहित हैं। लाल रंग। नवरात्र के अवसर पर नवदुर्गाओं को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र फूल फल और श्रृंगार की वस्तुएं लाल रंग की होती हैं। जब कलश की स्थापना की जाती है तो उसके ऊपर भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। लाल मौली से ही रक्षा सूत्र बांधी जाती है। देवी को समर्पित चीजों में भी कहीं ना कहीं लाल रंग का अवशेष इसलिए रखा जाता है ताकि पूजा अनुष्ठान में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य और मंगल ग्रह की अनुकंपा बनी रहे। सूर्य को रुद्र यानी अग्नि भी कहते हैं। अग्नि और रुद्र का स्वरूप लाल ही होता है। मंगल जो कि सूर्य के समान तेजों में है, उसका रंग भी लाल ही है, इसलिए माता को लाल चीजें ही ज्यादातर भेंट की जाती हैं। धनुष बाण। माँ दुर्गा द्वारा धरित तीर धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनुष और बाण पवन देव और सूर्य देव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष संभावित ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं तीर गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि देवी दुर्गा ही ब्रह्मांड में ऊर्जा के सभी स्रोत को नियंत्रित कर रही हैं। वज्र। इंद्र देव का उपहार वज्र आत्मा की दृढ़ता मजबूत संकल्प शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्त को अदम्य आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के साथ सशक्त बनाती हैं। माँ दुर्गा के हाथ में धारण वज्र दृढ़ता का प्रतीक है। अपने कार्य और भक्ति के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। वज्र की तरह दृढ़ रहें, खुद को प्रभावित ना होने दें। वज्र यही संकेत देता है। भागवत में लिखा है कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध करने के लिए ऋषि दधीचि की हड्डी से वज्र बनाया था। मत्स्य पुराण के अनुसार जब विश्वकर्मा ने सूर्य को भ्रम यंत्र पर चढ़ाकर खरादा था, तब छिलकर जो तेज निकला था उसी से विष्णु का चक्र रुद्र का शूल और इंद्र का वज्र बना था। त्रिशूल।
माँ दुर्गा का त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया है। इस त्रिशूल के तीन तीक्ष्ण धार हैं, जो कि तीन गुणों का भी प्रतीक हैं। ये तमस, राजस और सत्व का प्रतीक हैं। संसार में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्य यानी के सत्य गुण, रज यानी सांसारिक और तम मतलब की तामसी प्रवृत्ति। त्रिशूल के तीनों किले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो, त्रिशूल का यही संदेश है। त्रिशूल तीन प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक भी है। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें तीन तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम। इसके अलावा यह स्वापिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकत्व स्थापित होने का प्रतीक भी है। त्रिशूल वाम भाग में स्थिर ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक है। शंख, शंख ध्वनि व पवित्रता का प्रतीक है। यह ध्वनि शांति और समृद्धि की सूचक है। माँ के हाथों में शंख इसी बात का संदेश देता है कि माँ के पास आने वाले सभी भक्त पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। माँ की शक्ति से हमारे मन से बुरे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कमल, कमल भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, जो कि ज्ञान का भी सूचक है। आधा खिला कमल अंधेरे मन में आध्यात्मिक चेतना के उदय का प्रतीक है। माता के हाथों में कमल का फूल है, जो हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसारिक कीचड़, वासना, लोभ और लालच से दूर होकर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। खुद में आध्यात्मिक गुणवत्ता को विकसित करना चाहिए। भाला, यह शुभता का प्रतीक है, जो अग्नि देव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया है। यह उग्र शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह गलत और क्या सही है और उसके अनुसार कार्य करने के बीच का अंतर भी जानता है। सांप, भगवान शंकर का सांप चेतना और ऊर्जा का प्रतीक है। यह नई चीजों का अनुभव करने का आग्रह करता है। चेतना के निचली अवस्था से उच्च अवस्था में परिवर्तन का भी यह प्रतिनिधित्व करता है। कुल्हाड़ी, भगवान विश्वकर्मा से माँ दुर्गा को एक कुल्हाड़ी और कवच भी प्राप्त हुआ है। यह बुराई से लड़ने और किसी भी परिणाम से भय ना होने का प्रतीक है। शेर की सवारी, सिंह को उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा सिंह पर सवार है। इसका मतलब यही है कि जो उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकता है वही शक्ति है। माँ दुर्गा हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में बुराई और अधर्म पर नियंत्रण कर हम भी शक्ति संपन्न कर सकते हैं और अधर्म पर नियंत्रण कर धर्म की राह पर चल सकते हैं। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ त्रिदेवों के पास जाकर महिषासुर की शक्ति और आतंक के बारे में बताते हैं और त्रिदेव से रक्षा की गुहार करते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के शरीर से शक्ति का पुंज निकलकर एकत्रित होता है और इसी शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप ले लिया। सभी देवों ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान कर माँ दुर्गा का सृजन किया। देवी दुर्गा ने आताताई महिषासुर का वध करके देवताओं और सारी सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। माँ दुर्गा के अस्त्र धारण का उद्देश्य दैत्यों का नाश करना और भक्तों को अभयदान प्रदान करना है। इस वीडियो में इतना ही। आज आपने इस वीडियो में माँ दुर्गा के स्वरूप के बारे में जाना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।